तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, देखिए अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो केमिकल्स आप समझ ही रहे हो, केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स और काइनेटिक्स, ठीक है, दो चीजों से मिलकर के इस जो आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसका जो नेम है वह दो वर्ड से है, एक केमिकल और एक काइनेटिक्स। देखो मैं काइनेटिक्स की बात करूं, देखिए केमिकल यहाँ पे जो केमिकल है ना, मैं यहाँ पे मेनली क्या पढ़ने वाला हूँ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस चीज की बात करूँ काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स क्या होता है, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे काइनेटिक्स, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी सब्सटेंस में या किसी बॉडी में उसकी गति के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से यहाँ पे जो काइनेटिक्स वर्ड है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हमने पहले बता दिया यहाँ पे जो केमिकल्स लिखा है, ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अपने दैनिक, अगर मैं आप मौसम को फील करते हो, वैसे ही जब रिएक्शन कहीं पे स्टार्ट होता है, रिएक्शन कहीं पे रन करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक प्रकार का जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मोशन होता है, ठीक है। और वहाँ पे भी जो आप इसे स्पीड की बात करते हो अपने लाइफ में, ठीक है, स्पीड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विथ टाइम। उसी प्रकार से यहाँ पे हम काइनेटिक्स का जो वर्ड्स है ना, यहाँ पे हम मिली क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन किस गति से, किस स्पीड से। काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पे सिंपली होता है मोशन, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन का मोशन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, या आप किस रफ्तार से, किस कोई केमिकल रिएक्शन किस रफ्तार से, यानी किस रेट से, किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रन कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए क्या होगा कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी से आप चीज़ों को समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और केमिकल जो रिएक्शन है आपका, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन, वन मिनट, सॉरी। तो मैंने क्या बताया कि केमिकल जो काइनेटिक्स यहाँ पे है, ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक्स का यहाँ पे जो मतलब है, वह काइनेटिक हमारे जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब कहीं पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, काइनेटिक माने वैसे होता है हिंदी, तो इसका मतलब होता है बल गति, यानी अपनी गति के बारे में, स्पीड के बारे में, मोशन के बारे में कहीं पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल इसी बात, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मैंने पहले भी बता दिया कि काइनेटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं मोशन के बारे में, रेट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ये सारी चीजें। तो मैं इधर हल्का फुल्का क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी rate of the reaction are called chemical kinetics। यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो हमने यहाँ पे बार बार जो मैं कई बार मेरे मतलब मेरे उसे निकल चुका है रेट के बारे में, ठीक है, तो रेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मैं बता दिया कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, किसी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, इसकी मतलब क्यों नीड पड़ी, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेज हमारे पास थे तो केमिकल काइनेटिक की नीड्स क्यों पड़ी। देखिए अगर मैं बात करूँ कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस,
कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, यानी फिजिबल होगा कि नहीं होगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन है ठीक है, और रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसको कौन बताएगा, कौन बताता है ठीक है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा या फिजिबल होगा कि नहीं होगा, इसको बताता है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, और जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पे चीजें हम कोई चीज होती है, कोई प्रोसेस होती है, वो स्पॉन्टेनियस होगा क्यों नहीं होता है, इसको बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इस दुनिया का हर एक जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम क्या चाहता है कि मेरी जो एंट्रॉपी हो मैक्सिमम हो, क्या हो, एंट्रॉपी मैक्सिमम हो ठीक है। तो अपने आप को क्या किधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, हर एक सिस्टम उधर ले जाता है जिधर क्या होता है कि उसमें एंट्रॉपी का हो मैक्सिमम हो, क्योंकि उसमें पाई जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैं फिर उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं ठीक है। थर्मोडायनामिक्स मैंने बताया कि वहाँ पर जब हम लोग एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किए थे, गिब्स फ्री एनर्जी, क्या गिब्स फ्री एनर्जी, तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी बताया था, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो सारी चीज़ें बताई थी। तो हमने बताया कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या है। अगर मान लो सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी आती है वह निगेटिव में आती है, क्या आती है, निगेटिव में आती है। अगर किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो वह रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है ठीक, क्या होती है, फिजिबल होती है, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी वो रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है, वह रिएक्शन होगा। अगर सपोज दैट आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो रिएक्शन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो रिएक्शन दिया गया है ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ठीक है। उसके लिए कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, यानी वो ऑटोमेटिक नहीं होने वाला, वो रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। तो मैंने इस चीज़ को बता दिया कि थर्मोडायनामिक्स ने अभी पढ़ के रखा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तो वो रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। ये तो सारी चीज़ें काफ़ी बहुत लंबे में मतलब एक तरीके से वहाँ पर डिस्कशन किया गया था, तो आगे चलते हैं देखते हैं। लेकिन देखिए थर्मोडायनामिक्स की एक खास बात तो है, बहुत खूबसूरती वाली बात है कि थर्मोडायनामिक्स से तो बता दिया कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताता है कि कोई रिएक्शन है वह रिएक्शन किस रेट से रन करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की मैं अगर बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन तो थर्मोडायनामिक्स इस चीज़ को नहीं बता पाता है ठीक है। कि कोई रिएक्शन, मान लो सपोज है हमारे पास कोई रिएक्शन है या नेचर में कोई रिएक्शन हो रहा है ठीक है, तो वह किस रेट से रन करेगा, यानी किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा ठीक है, उसकी अभिक्रिया करने की दर, रिएक्शन करने की जो दर है, रेट है, वो चीज़ें थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाता है। ये थर्मोडायनामिक्स की थोड़ी सी क्या थी, ड्रॉबैक थी ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन कहाँ तक पहुंची, मतलब मान लो सपोज है हमारे पास क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन स्टार्ट हुई ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि एकाएक आपने जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टली वो क्या होगा, उसे सेकेंड का समय भी नहीं लगा और कहाँ चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ बीच में मैकेनिज्म होता है। तो क्या होता है कि मान लो इसका 5 मोल हमने स्टार्टिंग में इस रिएक्टेंट का लिया था, तो ऐसा थोड़ी कि 5 मोल एकाएक क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, नहीं, पहले शुरुआत में आपके कुछ मॉलिक्यूल इनिशिएट होंगे, जैसे कन्वर्जन स्टार्ट होगा, अगर सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर या जो भी कंडीशन होते हैं रिएक्शन तो है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 5 मोल में से फर्स्ट बात में 1 मोल कन्वर्ट होगा, फिर 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, इस तरीके से कई मॉलिक्यूल फिर धीरे धीरे जाते रहेंगे और धीरे धीरे पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा आपका, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन कहाँ तक पहुँची, इस बारे में थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाता, इस बारे में भी थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाता। तो दो ड्रॉबैक जो थे आपके थर्मोडायनामिक्स के, यहाँ पे हमको दिखाई साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि थर्मोडायनामिक्स ये भी नहीं बता पाता है कि कोई रिएक्शन
सॉरी किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा ये तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता, और न ये बता पाता है कि कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हुई, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बता पाता है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारी क्या इन्वेंशन होता है या हमारी कौन सी नई ब्रांच आती है, तो हमारी नई ब्रांच यहीं से आती है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को बताने के लिए जो थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाया था, ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है केमिकल काइनेटिक्स की। और केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोड्यूस होता है इस हमारे वर्ल्ड में, जो ये बताने का प्रयास करता, प्रयास नहीं बिल्कुल बताता भी है कि कोई रिएक्शन का रेट क्या होगा और कोई रिएक्शन कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं कि जैसे मैं बात करूँ एग्जैक्ट मैकेनिज्म की मैं बात करूँ, तो कोई रिएक्शन रन करता है तो कहीं ना कहीं वो कई सारे स्टेप से गुजरता है, ठीक है। तो उस सारे एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, किसी कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये तो केमिकल काइनेटिक्स नहीं दे पाएगा, इस बात का जवाब केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं दे पाएगा कि मतलब एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बताता है कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन किसके थ्रू गया है, किस इंटरमीडिएट के थ्रू गया है, ये सारी चीजें आपकी केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताता। बस इतना बताता है कि हाँ रेट जो है किसी केमिकल रिएक्शन का वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे वो मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, और रिएक्शन का रेट क्या होगा और रिएक्शन की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स बताता है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो ये भी नहीं बताता है। तो यहाँ तक की बातें तो स्टार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि इतने सारी चीज़ें हमने बताई, इसके आगे चलते हैं, क्योंकि इसके आगे चले हुए चीज़ों अब यहीं से शुरुआत होती है केमिकल काइनेटिक्स की, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपके पास एक मिनट का समय है। हो गया, चलो ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर हमें अभी जब से मैंने इस चैप्टर को अभी स्टार्ट किया भी जस्ट, और मैंने बहुत बार रेट के बारे में रेट कई बार हमने रेट का नाम ले चुके हैं हम लोग, तो देखते हैं कि रेट क्या होता है। रेट देखिए, रेट का जो मीनिंग है ना वो कई रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेट जिस रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रेट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेट हमारा होगा वो रेट क्या होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में होगा। तो अगर मैं बात करूँ रेट क्या होता है, तो अगर मैं रेट की बात करूँ व्हाट इज रेट, तो रेट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, आर कॉल्ड रेट, ठीक है, आर कॉल्ड रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी कोई रिएक्शन हो रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। तो आप ये आपको जब कोई केमिकल रिएक्शन बारे में नाम भी आपने कोई ले लिया आपके सामने कि रिएक्शन के बारे में, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसमें दो चीज़ें तो होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन से पहले हमने जो जिन चीज़ों को लिया था उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो बाद में बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो रेट क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, आर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। यानी जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा, जारी सी बात है, रिएक्टेंट आपने पहले लिया था तो उसका कंसंट्रेशन क्या कुछ ना कुछ रहा होगा, फिर उसके बाद क्या होता है उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आती है। क्योंकि ऐसे मान लो कि सपोज दैट ए है, ए से बी में चेंज हो रहा है, ए क्या है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का मान लो सपोज दैट आपने क्या किया था, कोई मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन लिया था आपने, कंसंट्रेशन आपका था वो एक्स मोल पर लीटर था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, रिएक्टेंट जब बिगड़ रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी में से तो खर्च होकर के प्रोडक्ट बनेगा, कहीं से नए से कहीं ऊपर से तो आ नहीं जाएगा, यही रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होगा। तो एक्स क्या होगा, एक्स फिर डिक्रीज करने लगेगा, क्या करने लगेगा, इसका जो रिएक्ट कंसंट्रेशन हो डिक्रीज करने लगेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि किस एक मतलब एक सेकेंड में क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको इजीली भाषा में समझाऊं तो ये होता है कि एक सेकेंड के अंदर किसी रिएक्टेंट, या आप किसी रिएक्टेंट को ले लो या प्रोडक्ट ले लो, कोई भी आप एक चीज को चूज कर सकते हो। तो एक सेकेंड के अंदर किसी रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में बात करूँ तो एक सेकेंड के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड में किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो समय भी आपने लगा दिया, कंडीशन भी लगा दिया, कंडीशन तो आपने लगा दिया कि एक सेकेंड के अंदर, और जब भी कहीं पे पर सेकंड की बात होती है कहीं ना कहीं वो मोशन के बारे में, रेट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होता है आपका रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो चेंज का जब चेंजिंग का साइन लगाते हैं ना हम लोग इस तरीके से डेल्टा लगाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो कि डिवाइडेड बाय यानी अपॉन क्या है डेल्टा टी, यानी यहाँ पर सेकंड की बात हो रही है। यानी जैसे मान लो कि ये कोई ए से बी में कोई रिएक्शन है आपका, ए से बी में जा रहा है, तो ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस चीज को अगर प्रोडक्ट के टर्म में बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपको, क्या इस चीज को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यानी एक सेकेंड के अंदर किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, या एक सेकेंड के अंदर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और मैथमेटिकली आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो नीचे डिवाइडेड बाय दोनों की केस में, चाहे रिएक्टेंट लो, चाहे रिएक्टेंट के टर्म में बात करो, चाहे प्रोडक्ट के टर्म में बात करो, दोनों में क्या है डेल्टा टी नीचे है, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो आपको सूटेबल पड़े उस चीज को आप जहां पे जैसा यूज पड़ेगा वैसा हम उस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा क्या है यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, चेंजिंग है, क्या है चेंजिंग, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंजिंग आ रहा है पर सेकंड, और या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना चेंजिंग आ रहा है पर यूनिट टाइम। इस चीज को मैं यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज दैट क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि सपोज दैट क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास है, ठीक है। हमने
क्या है, बॉर्न हैवर साइकिल से आपने अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़ा है, तो बॉर्न हैवर साइकिल से हमने क्या किया, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो शुरुआती दौर में क्या है कि मान लो कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो सेकंड, जो मतलब जीरो सेकंड पे क्या आता है, सब कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, मान लो कि 5 मोल था और इसका सपोज दैट आपका 10 मोल था, 10 इसका कंसंट्रेशन था 5 मोल पर लीटर और इसका क्या कंसंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो हुआ क्या, यहाँ पे एट टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे मैंने देखा तो इसका कंसंट्रेशन 4 हो गया, इसका मान लो कंसंट्रेशन क्या हो गया कि सपोज दैट कुछ भी मान लो कि आप सपोज दैट 7 मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। फिर समय दूसरे वाले सेकंड पे हमने देखा इसका कंसंट्रेशन कितना हो चुका था, 3 हो चुका था, इसका मान लो कि 5 हो चुका था। इस तरीके से इसका भी मतलब यहां प्रोडक्ट इस मान लो कि यहां पे तो 0 था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे 1 सेकंड पे मान लो इसका सपोज दैट x इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया x और यहां पे क्या हो गया y हो गया। इस तरीके से फिर 3 सेकंड पे हमने क्या देखा कि इसका समथिंग 2.5 हो चुका था और इसका हो चुका था 4, यहाँ पे जेड हो चुका था। इस तरीके से चेंजिंग होती चली जाएगी। तो अगर मैं इस चीज को डाटा बनाऊँ, डाटा मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इतने समय पे इतना इसका है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन इतना है। तो अगर मैं टेबल बनाऊँ, क्या बनाऊँ टेबल, तो टेबल में मैंने क्या लिखूंगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कंसंट्रेशन लिखूंगा, और यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा सर, यहाँ पे मैं दो टेबल बना लेता हूँ, एक इधर हो गया आपका कंसंट्रेशन, उधर मैं लिख लूँ रिएक्टेंट और इधर सीरियल नंबर। तो अगर मैं इस चीज की बात करूँ यहाँ पे टाइम में लिख लूँ, तो इस चीज को मैं इस तरीके से डाटा बनाऊंगा और मैं देखूंगा कि टाइम, देखो टाइम जीरो पे ठीक है, तो रिएक्टेंट मान लो N2 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन सपोज है यहाँ पे कितना था 5 था, 5 लिख दिया टाइम इक्वल टू 0 पे। अब मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने चूज कर लिया, तो मैं इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट की बात करूंगा, और किसी भी ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अगर इसके रिस्पेक्ट में आप रेट की बात करोगे तो अलग आएगा इसके रिस्पेक्ट में, नहीं ऐसा नहीं होता है। सारे ही जो रेट होता है ना वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो सारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डाटा बनाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं फिर टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे फिर देखूंगा तो कंसंट्रेशन कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 लिख दूंगा। फिर एट टाइम 3 पे कितना देखूंगा कि 3 था, सॉरी 2 सेकंड पे 3 दूसरे सेकंड पे 3 था। इस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने यहाँ पे यहाँ क्या रेट निकालने का प्रयास किया कि इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, तो मैंने देखा कि रेट इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आया, मान लो कि मैं मान लो मैं 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना चेंजिंग आया जैसे कंसंट्रेशन में, मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो टाइम लास्ट वाला टाइम यानी 1 माइनस 0 यानी 1 सेकंड के अंतराल में डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड के इंटरवल में मैंने देखा तो यहाँ पे कितना आया 4 से 4 था, बाद में 4 हो गया, पहले 5 था, 5 इक्वल टू क्या हो गया -1 और डिवाइड बाय -1, यानी क्या हो रहा है रेट माइनस होने का मतलब ये नहीं हुआ कि रेट ना, इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन घट रहा है, साइन जो है निगेटिव साइन ही बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो हमने ये देख पाया। यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो चीज़ जो हमने आसानी से समझा दिया कि हम बस इतना करेंगे कि किसी कहीं पे भी अगर रेट की बात हो रही होगी तो हमें क्या करना है कि देखना है कि किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक आप डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए कंसंट्रेशन वाले चीज को भी देख सकते हो, बस इसको एवरेज रेट बोलते हैं, एवरेज क्या बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना डेल्टा, ये लगता है कब एवरेज, जब एवरेज रेट की बात हो रही है, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है उसकी एवरेज की बात हो रही है। वैसे मोस्टली जगह एवरेज ही यूज होता है, क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जैसे मान लो कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आप सपोज दैट आपको ऐसे जा रहे हो अपने घर पे आप जा रहे हो, तो बीच में मार्केट भी पड़ा तो कई सारे क्या लगेंगे ट्रैफिक लगे रहेंगे, तो कहीं पे क्या होगा आपकी जो बाइक होगी, बाइक की स्पीड आप कभी तेज करोगे, कभी स्लो करोगे, फिर कभी स्लो करोगे, तेज करोगे, फास्ट स्लो इस तरीके से आप जाओगे, तो वहाँ पे आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया
कि आप उस चीज को वहां पे जो आपका विलास्टी नापा जाएगा ठीक है, मेजर किया जाएगा और एवरेज के रूप में ना किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है कि हम चीजों को एवरेज के टर्म में ही ज्यादा बात करते हैं, उस चीज के बारे में अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, तो ये सारे रेट के बारे में हो गई। यहाँ से आप एक मिनट है आपका पास, जो भी आपको नोट करना है नोट कर सकते हो, बाकी चलते हैं आगे। हो गया, देखिए अभी मैं इसके इसके बारे में फिर से दोबारा से चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी तो इसी पे पूरा हमारा क्या है फोकस है। केमिकल क्रेडिशन में हमको पढ़ना है क्या, हमको रेटिंग के बारे में तो पढ़ना है, अभी तो रेट के बारे में भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ रिएक्शन के बारे में ना, रिएक्शन तो रिएक्शन कई टाइप के होते हैं ठीक है। रिएक्शन में सिमिलरली कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, यहाँ पे अगर मैं रेट के हिसाब से बात करूंगा तो थ्री टाइप के बांटे गए, थ्री कैटेगरी में बांटे गए। एक तो होता है आपका फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना कि इतनी स्पीड के साथ में होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होती है बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत उनका जो रेट करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आप कैलकुलेट करो बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप के रिएक्शन क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। यानी ये ऐसे टाइप के रिएक्शन के लिए जो मतलब अगर आप बात करोगे कंप्लीशन होने के लिए, यानी इस टाइप के रिएक्शन जो होते हैं ना वो सेकंड भर का समय नहीं लगता है, सेकंड का भी एक सेकंड भी समय नहीं लगता, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जो टाइम कितना होता है, 10^-3 सेकेंड ठीक है। यानी एक सेकेंड का आप 1000 को आप 1000 भागों में बांटोगे तो एक जो पार्ट होगा आपका, यानी 1 सेकंड से 1000 गुना कम समय लगता है ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन। तो ये ऐसे रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा जो मतलब सेकेंड 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, जैसे आपने रिएक्शन हो गया आप सोच भी नहीं पाए रिएक्शन हो गया, इतना फास्ट होता है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। और देख ही रहे हो कि कितने समय में कंप्लीट हो जाता है ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन 1 सेकंड का भी समय नहीं लगते कंप्लीट हो जाते हैं जैसे रिएक्शन स्टार्ट खत्म। तो ये चीजों अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे जो भी आपके आयनिक रिएक्शन हो गए, क्या हो गए आयनिक रिएक्शन, वो सारे आयनिक रिएक्शन इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। जैसे मान लो कि HCl और NH को हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl+H2O। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं ठीक है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होता है इसी कैटेगरी में आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट है और KCl है, हमने इसका रिएक्शन कराया क्या बन गया, AgCl बन गया, वाइट कलर का PPT बन गया, और फिर क्या बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये देखिए क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होता है। तो मैं बात कर रहा था रेट के बारे में, जब इनका रेट इतना ज्यादा हाई है क्या है कि मतलब 1 सेकंड का भी समय नहीं लग रहा है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये बहुत ही क्या होता है हमारे सामने चैलेंजिंग चीजें होती हैं कि ऐसे रिएक्शन को हम इनके ऐसे टाइप के रिएक्शन के रेट को हम मेजर नहीं कर सकते आर्डिनरी मेथड से, और हमारे सिलेबस में है भी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है। फास्ट रिएक्शन के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई किए थे, लेकिन वो चीज़ें आपको कब पढ़नी है, वो चीज़ें BSc MSc में आप पढ़ोगे, MSc में वो फिजिकल केमिस्ट्री से जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे उस समय आप पढ़ोगे मतलब फास्ट रिएक्शन का रेट कैसे मेजर किया जाता है ठीक है। उसके लिए होता है बटर बेसन मेथड, वो सारी चीज़ें होती है वो सब हाई क्लास में है। तो आपके आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं, चाहे वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि जब आयनिक रिएक्शन होता है तो ऑलरेडी जो रिएक्टेंट होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं आयंस के फॉर्म में। यानी वहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है कि आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करोगे तो वहाँ पे बॉन्ड टूटता है, क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी चाहिए थी,
और जब उसको एनर्जी एटलप एनर्जी मिलेगी तभी वो बांड टूटेगा, तभी रिएक्शन आगे चलेगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बांड टूटा हुआ है, आयनिक है, आयंस के फॉर्म ऑलरेडी है, इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर इस चीज़ में दोबारा बात करूँ कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बहुत स्लो होते हैं, उनको होने के लिए ना कुछ महीनों या कुछ ईयर, ठीक है, बहुत ही लंबा समय लग जाता है। क्या लग जाता है? बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन, जो जिनको कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप बात करोगे कि रस्टिंग, क्या बात करोगे? रस्टिंग, जंग लगना, जैसे लोहे पे आप देखते हो, लोहे पे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है लोहे पे, तो लोहा को आप कहीं पर रख दो तो आप देखते हो कि इतना जल्दी रंग जंग नहीं लगता है, उसमें काफ़ी समय लगते हैं, काल में कुछ महीनों में वो जंग लगना स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, लोहे पे जंग लगना या किसी और चीज़ पे रस्ट होना, किसी चीज़ का रस्ट होना, कोरोजन होना, ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी मतलब स्लो होते हैं, और उनको होने के लिए क्या होते हैं काफ़ी महीने लग जाते हैं, कुछ ईयर लग जाते हैं। तो ये इस टाइप की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल में, और फिर मैं अगर बात करूँ कि इसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो बनता है H2O, ठीक है। अब बिना कैटालिस्ट के परचेस में अगर आप बिना विदाउट इन दी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट आप रिएक्शन कराओगे तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है? बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, इतना स्लो होता है, और काफ़ी ईयर लग जाते हैं इसको होने में। अगर सपोज दैट इन दी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। फिर आगे मैं चलता हूँ, तीसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है आपका मॉडरेट रिएक्शन होता है, मॉडरेट ऐसा रिएक्शन जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ना बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। यानी इस टाइप के रिएक्शन को होने के लिए ना कुछ घंटे लगते हैं, सम हावर लगते हैं, हावर सम हावर और मिनट, कुछ घंटे या कुछ मिनट लगते हैं, कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटों के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, इस यही देखो, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हुआ तो भी हम उस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे और डायनेमिक मेथड से उस रिएक्शन के रेट को, और बहुत ज़्यादा स्लो हुआ तो भी हम उसके रिएक्शन के रेट को मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन मॉडरेट जो रिएक्शन है ना, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि इसी के बारे में हमारा क्या है ऑर्डिनेटिव मेथड, हमसे इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर मैं बात करूं कि इस टाइप के रिएक्शन की, तो जैसे मान लो कि आप हाइड्रोजन सल्फाइड को आप हीट दे करके, ठीक है, हीट दे करके ऐसे ब्रेक डाउन कर दिए, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कुछ मॉडरेट रिएक्शन की है। जो रिएक्शन की रेट होती है बहुत ज़्यादा ना तो स्लो होती है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की बात करूँगा, अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट दोगे, अमोनियम नाइट्रेट, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या बनता है, H+H2। तो ये भी रिएक्शन क्या होगा आपके मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी रिएक्शन क्या होते हैं मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक आपके फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसको होने के लिए एक सेकेंड का भी समय नहीं लगता और रिएक्शन कम्प्लीट हो जाता है, और स्लो रिएक्शन में काफ़ी महीने काफ़ी ईयर लग जाते हैं, ठीक है, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। और जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन तो मैं बात कर रहा था रिएक्शन के बारे में, तो रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं आपके, एक आपका स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। और मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, तो ये सारे रिएक्शन तो हो ही हो गए आपके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, या आपके क्या हो गए कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं मॉडरेट रिएक्शन में आते हैं। जैसे आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टरीफिकेशन, ठीक है, लॉल कंडेंसेशन। अभी तो पूरे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम सारे रिएक्शन पढ़ते हैं वो सब के सब क्या होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो सब इसी के कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं,
अगर मैं बात करूं, देखिए मैं अब यहां पे बता चुका कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं रेट के बेसिस पे, तो थ्री टाइप के, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, और हमको पढ़ना क्या है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी मैंने बताया कि रेट के बारे में, क्या बताया रेट के बारे में, तो रेट इज इक्वल टू, अभी मैं बताया था कि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है इन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है उसको क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या था आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम, ये आपका क्या था कि रेट। इस चीज को हम मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन किए थे, इस तरीके से डिफाइन किए थे हम, ठीक है। ये जो भी आपका, जो भी आपके सामने लिखा हुआ रेट के बारे में है एवरेज रेट, एवरेज एवरेज रेट। जब टाइम इंटरवल काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, तब से क्या, तब वहां पे क्या यूज किया जाते हैं हम एवरेज रेट। अगर आप स्पॉन्टेनियस रेट की बात करोगे, स्पॉन्टेनियस रेट इक्वल टू क्या होता है डीसी अपॉन डीटी। क्या होता है ना, डीटी एक टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, जो टाइम इंटरवल क्या होता है वेरी वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये डीसी क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब इनफाइनिटेसिमली चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे मान लो कि क्या है ना, कि 5 सेकंड पे आपने सपोज दैट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आपने मिरर किया था, मान लो x कंसंट्रेशन का, अब 5 से जस्ट क्या है, जस्ट जस्ट का मतलब 5 सेकंड, अभी 5 सेकंड हुआ है, 5 सेकंड के बाद में क्या है कि आप 5.1 सेकंड में या 5.02 सेकंड, 2 सेकंड अभी हुआ, और या इस तरीके से, मतलब बहुत जो टाइम इंटरवल है ना बहुत ही कम, ठीक है, इस टाइम इंटरवल में आप इस चीज के लिए मेजर करते हो, तो यहाँ पे जो रेट लगता है वो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत कितना चेंजिंग हुआ, तुरंत कितना चेंजिंग हुआ, तो स्पॉन्टेनियस दोनों का, दोनों का नीड पड़ती है, दोनों तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रेट इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे आप जानते हो कि ये जो क्या लिखा है डीसी बाई डीटी का सी क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सी क्या है कंसंट्रेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे कि डिफरेंशियल क्या होता है, किसी चीज में चेंजिंग होने की जो रेट होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल क्या होता है चीजों को डिवाइड करता है, डिफरेंशियल क्या करता है चीजों को, जैसे कोई बड़ी चीज है, इस बड़ी चीज को क्या करता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीग्रेशन क्या होता है चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जोड़ता है। तो मतलब जब कहीं पे किसी का, अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे आप लिख रहे हो, सपोज आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि टाइम के साथ में, टाइम dt/dt मतलब क्या हो, टाइम के साथ मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है। आखिर में है तो वही बात जो मैंने बताया था कि आप उस चीज को, मतलब एक सेकंड के अंदर कितना चेंजिंग हुआ कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में एक सेकंड में कितना चेंजिंग हुआ, उसी टाइप का तभी बता रहा है। तो दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज को मैं अगर बात करूँ यूनिट का, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आप देखोगे तो अगर आपको यूनिट निकालना है, क्या निकालना है यूनिट, यूनिट कैसे निकलता है जरा देख लो मैथमेटिकल में, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन में चेंजिंग कितना आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट रखो ऊपर ऊपर यहाँ के हिसाब से, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो आप इस चीज को ओवरऑल यूनिट आप निकालेंगे मोल पर लीटर सेकेंड, ये हो गया आपका यूनिट। किसी भी रिएक्शन के रेट का जो यूनिट होता है क्या होता है मोल पर लीटर सेकेंड। तो ये चीजें आपका कि आपने यूनिट के बारे में पढ़ लिया कि रेट ऑफ, मतलब किसी रिएक्शन के जो रेट होता है उस रेट का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर सेकेंड। आगे चले नोट करो,
हो गया, आगे चले। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा जो है, ऐसे मान लो कि हमारे पास क्या, अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ और रेट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिला जुला के हम किस बात पे आ रहे हैं, रेट रेट बार बार हमारे जो रेट के बारे में पढ़ने वाले। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है और रिएक्शन इस टाइप का है, देखो यहाँ पे इस्तेमाल क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। अब बी क्या है, इस्तेमाल बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी, और ये जो सी डी है आपके रिएक्टेंट है और जो इस्तेमाल है उसे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर इसको रेट को इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखने का प्रयास करें तो क्या हम कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या उसको नीचे करना पड़ेगा, यानी रिवर्स 1/a। अभी माइनस क्यों मैंने लगाया, अभी मैं बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मैंने क्या बताया था, रेट क्या बताया था, रेट के बारे में आपको यही बताया था कि किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है पर यूनिट टाइम, यानी dc/dt। तो अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ए है तो इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे dA/dt, ठीक है। फिर इसके लिए कैसे लिखोगे, ये चीज को रिवर्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ dB/dt, ठीक है। और यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखो ये तो रिएक्टेंट को हमने बताया था कि जो रेट होता है रिएक्टेंट के को बेसिस मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट अब अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप मेजर कर रहे हो तो भी ठीक है, या आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नहीं मेजर करना चाहते हो, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहते हो तो वैसे भी रेट निकाला जा सकता है, क्योंकि चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो आपको चेंजिंग देखना है, ठीक है। वो मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बस देखना है कि चेंजिंग देखना है कंसंट्रेशन पे और पर यूनिट टाइम, यानी इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो देख आपने क्या देखा कि रेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम रेट को लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू इसका माइनस, इसके जब जब रिएक्टेंट की बारी आएगी तो वहां पर माइनस लगाना है और जब प्रोडक्ट वाले के टर्म में लिखोगे तो प्लस रहेगा, और लेकिन ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी उसको उल्टा कर देना है। और बाकी क्या करना है, यहाँ पे उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग विथ टाइम इस तरीके से लिखना है, तो यानी रेट इज इक्वल टू -1/dA/dt -1/dB/dt = 1/c/dc/dt और 1/dt/dt। तो इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, ए। इस तरीके से बी वाला भी लिख दोगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इस तरीके से लिख दोगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, और यहाँ पे क्या लिख दो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। तो इस चीज को आप, मैं उस चीज को आप रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। हाँ एक खास बात है कि ए वाला जो टर्म होता है माइनस क्यों लगा, तो इसको लेकिन माइनस बता रहे, तो माइनस लगा क्यों, रिएक्टेंट के साथ में माइनस क्यों लगा, जब इसका एक्सप्रेशन लिख रहा था तो माइनस क्यों लिखा, माइनस साइन इसलिए बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है, यानी जैसे समय बीतता जाएगा वैसा वैसा क्या होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। ये बात सही भी है, क्यों सही है, अरे भाई जारी सी बात है, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी
जो भी खर्च हो रहा है किसका खर्च हो रहा है, रिएक्टेंट का खर्च हो रहा है, और जहाँ पर भी खर्च आती है वहाँ पे कम, जहाँ भी कोई चीज़ खर्च होती है तो जिससे मतलब जी जहाँ से खर्च होता है वो वहाँ से क्या होता है डिक्रीज होता है, कमी होती है, वहाँ पे कमी होती है, तो कमी होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट की जब भी रिएक्टेंट की बात होगी तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा, बाकी पूरे में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जारी सी बात है टाइम के साथ में, इसलिए वहाँ पे प्लस साइन लगा है। तो इस तरीके से अच्छा ये जो रेट मैंने लिखा है, रेट एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, रेट एक्सप्रेशन दिस इज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन, थ्योरेटिकल का मतलब हुआ कि हम एक्सपेरिमेंटल है, हम थ्योरेटिकल का मतलब हो गया कि हम चीजों को अपने हिसाब से नहीं, मतलब हाँ वो सही है, जो रिजल्ट है रिजल्ट तो सही देता है, लेकिन क्या है कि हमने इस चीज़ को कहीं पे पहले एक्सपेरिमेंट करके पहले रिजल्ट करके पहले हमने इस चीज़ को आपने नहीं किया, हमने लिख दिया, बाद में उस चीज़ का क्या हुआ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने कोई चीज़ पहले लिख करके पहले लिख दिया, पहले उसको आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया और बाद में रिजल्ट हो करके जब एक्सपेरिमेंट हुआ रिजल्ट आया तो पता चला कि वही है, तो उसे थ्योरेटिकल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती है पहले प्रैक्टिकल हो जाती है उसके बाद में उन चीज़ों का मैथमेटिक्स आता है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं यहां पे, ठीक है क्या बात करूं मैं यहां पे इस तरीके से मैं बात करूं, अब माइनस के साइन के साथ बात करूं, तो ए देखो ये वाला जो टर्म है ना माइनस डी ए बाई डी टी, ये क्या बताता है, ये बताता है डीसी डीसी अपीयरेंस ऑफ ए, डिस अपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है डीसी रेफरेंस ऑफ ए, जारी सी बात है ए क्या हो रहा है, देखो ए था तो ए डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर का मतलब जैसे मैं हूँ अब मैं धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा हूँ, वैसे मेरा कुछ हिस्सा क्या हो रहा है किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैं क्या हो डिसअपीयर हो रहा हूँ। इसी तरीके से फिर जारी सी बात है जब ए खर्च होगा तो ए का जो है आपका वो धीरे धीरे खर्च होने के मतलब डिसअपीयर हो रहा है, क्या हो रहा है डिसअपीयर, तो ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है माइनस के साथ माइनस जहां भी लग जाएगा जारी सी बात है वो खर्च हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अगर इस तरीके से ये क्या है डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या है माइनस डीबी बाय डीटी की बात करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसको बात करोगे तो क्या बोलोगे, जो प्लस है ना प्लस यहां से अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस ऑफ सी, अब इसकी बात करोगे तो अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप क्या कर सकते हो माइनस डी ए वाई डीसी अपीयरेंस, देखो माइनस जहां पर भी आ जाएगा वहां पे समझ लो कि क्या है डीसी अपीयरेंस है, और जहां पे अपीयरेंस आ जाएगा वहां पे माइनस नहीं रहेगा। एक बात याद रखना ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे देगा कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का डी सी अपीयरेंस जो है रेट इस तरीके इतना है, तो वहाँ पे जब आपको डी सी अपीयरेंस या अपीयरेंस वर्ड यूज़ किया जाएगा तो आपको पकड़ लेना है कि पूछ क्या रहा है, वो ये कहना चाहता है कि इस तरीके से चीज़ों को बताना चाहता है कि मतलब वो रिएक्टेंट इस तरीके से डी सी अपीयर हो रहा है, उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाई डी टी इक्वल टू इतना, वो बाद में जब न्यूमेरिकल आएगा तो समझ में आ जाएगी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे मैं बस ऐसे ही बता दिया। तो इस तरीके से आप क्या है कि लिख सकते हो, क्या सकते हो लिख सकते हो। अच्छा कहीं मैं आपसे बोल देगा कि मान लो कैसे बोल दिया कि डी रेट ऑफ डी सी अपीयरेंस, डी सी अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ई, मान लो कोई रिएक्टेंट है इसका रेट ऑफ डी सी अपीयरेंस क्या है, मान लो एक्स है, क्या है एक्स है, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि डी सी अपीयरेंस ऑफ ई, यहां पे इस तरीके से लिखो डी सी अपीयरेंस है माइनस डी ई बाय डी टी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मान लो कि यही पे लेकिन इसके साथ में देखना कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज होता है, क्या नहीं होता है, जब भी डी सी अपीयरेंस या अपीयरेंस का यूज होगा तो उसके साथ में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज होता है, उसके साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज होता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सोच लेना कि
इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखाऊं ना, ऐसे तो मैंने नहीं लिखा, मैंने वन अप आई ए डी ए बाई डी सी इस तरीके से मैंने नहीं लिखा, मैंने स्टोइकोमेट्री को बाहर निकल रखा दिया, क्योंकि डी सी अपीयरेंस जब यूज होगा तो उसके साथ स्टोइकोमेट्री को प्रेजेंट नहीं आएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, तो नोट करो इसे जल्दी से। हो गया, आगे चले। तो आगे जो हम बात कर रहे हैं, आगे हम क्या बात करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक बात हमने रेट के बेसिस पे रिएक्शन को डिवाइड किया, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। देखो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन, दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्म, एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्म, ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो कि क्या है कि ए से बी में, ए रिएक्टेंट है ए और बी में चेंज हो रहा है, तो एक ही स्टेप में चेंज हो गया, यानी आपके बीच में क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। वैसे जनरली क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंजिंग होना स्टार्ट होता है, तो बीच में कई सारे स्टेप आते हैं, ठीक है, अचानक रिएक्शन नहीं होता, बीच में कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और कोई भी मतलब वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो उसको उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा अलग टाइप से बताऊंगा, मैं हल्का भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि इसी की चर्चा आने वाली है आने वाले समय में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल एंड इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी ऐसा रिएक्शन जो क्या होता है कि कई सारे स्टेप में कंप्लीट होता है, कोई एक इस सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, वो कई सारे स्टेप लेता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। कई पहले रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट किसी दूसरे चीज में चेंज होगा, फिर वो किसी और चीज़ में चेंज होगा, इस तरीके से मतलब कई स्टेप से गुजरते हुए तब जाकर के वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा ले सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा ले सकते हो कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और प्लस ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन का जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका, NO2 और प्लस O2। तो ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन लिब्रेट हो रहा है। तो यानी यहाँ जब ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी ये सिंगल स्टेप। आपने देखा कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओजोन आए टकराए और उनके बीच में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, चेंज हो गया प्रोडक्ट में। बीच में कुछ नहीं हुआ, बस सीधे आए टकराए चेंज हो गया प्रोडक्ट में। वेरी सिंगल स्टेप में क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, बीच में कुछ नहीं बना, सीधे प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये क्या है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वह एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट ही होते हैं। इनको कंप्लीट होने के लिए कई सारे स्टेप लगते हैं। तो जैसे मान लो कि आप क्या है कि जैसे मान लो कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और क्या बन रहा है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और CO2। ये मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, आपको देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है, लेकिन नहीं, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, एक मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप का मतलब एक से ज्यादा स्टेप। तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, ये कई सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। कैसे, पहले क्या करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है आपका नाइट्रेट, येलो थ्री बन जाता है और येलो बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और NO3 बनता है। अब क्या होता है कि जो आपका आपका जो NO3 है ये रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, क्या बन जाता है आपका NO2 और प्लस में CO2। ठीक है, आपने देखा कि रिएक्शन, देखो प्रोडक्ट में क्या था आपका, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, सही तो है। तो अगर इस चीज को मैं, आप देखो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या बना था प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट था, ये दोनों रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और CO2 प्रोडक्ट थे। यहाँ पे दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दो, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे, नेट रिएक्शन क्या आएगा आपका, देखो NO3 से NO3 कट गया तो बना क्या NO2 बन गया आपका, दो था ना, तो दो दो का क्या हुआ आपका देखो CO इधर आ गया और इधर क्या बना आपका लेकिन ये देख रहा है कितने स्टेप में, फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप, यानी जो रिएक्शन था कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, दो स्टेप में कंप्लीट हुआ। और जब इनको जोड़ कर लिखोगे तो यानी नेट रिएक्शन, ये आपका क्या है नेट रिएक्शन, रिएक्शन तो यही हो रहा है लेकिन कई सारे स्टेप में हो जा रहा है, दो स्टेप में लग रहे हैं, ठीक, इन दोनों स्टेप को जोड़ दोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं और उसमें इंटरमीडिएट भी बनता है। तो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट क्या, इंटरमीडिएट वह स्पीसीज होता है जो नेट रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होता है। नेट इंटरमीडिएट वह स्पीसीज होता है, वैसे तो मैं दूसरे तरीके से बताने वाला था लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ऐसा स्पीसीज जो नेट रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखो कौन सा नहीं प्रेजेंट था, NO3 प्रेजेंट था, नहीं था NO3 यहाँ पर नेट रिएक्शन में नहीं है, तो NO3 हमारे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट यही होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस चीज को आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से
हो गया चलो।